आशा बहन से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या होने वाली है वो बड़ी खबर। इसके बारे में हम जान कर लेंगे कि क्या जानकारी होने वाली है। तो देखो, मानदेय से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कौन सा सिटी में मानदेय से रिलेटेड पैसे नहीं मिलने के कारण क्या क्या चीजें चल रही है, सब बात कर लेंगे। आशा बहनों की बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, और किसका भुगतान हो चुका, किसका भुगतान नहीं हुआ, क्या आरोप लग रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये सब कुछ चीजों के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम एमडी सपोर्ट हेल्प। आपको इस वीडियो में पता चलेगा आशा वर्कर्स से रिलेटेड क्या बड़ी खबर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बात कर लेंगे आपको कि स्थान विभाग में आपको जानकारी बता देना चाहते हैं, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जिले में 900 आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय अटक गया है, जिसके आपको प्रदेश में आपको कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए आपको 92वां स्थान मिला है। 900 आशा कार्यकर्ताओं को उनको वेतन नहीं मिला है। बाकी आपको बरेली में करीब 40 प्रतिमा अवध कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिला है। उसके साथ ही शासन में आपको 21 मई के जारी करी गई जो रिपोर्ट है, बरेली समेत कई सारे जिलों में आपको मानदेय मिलने का थोड़ा दिक्कत हुआ है। भुगतान के साथ ही आपको निर्देश रिपोर्ट में बता देना चाहता है कि बांद्रा, इटावा और अम्बेडकर नगर स्थिति खराब पाई गई है। वहाँ पर भी आशा की भुगतान नहीं हो पाई है, जो कि ये रिपोर्ट में सामने सारे निकल के आए हैं। ठीक है, उसके साथ ही हम बात कर लेंगे आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के भुगतान के दौरान स्थान में नागरिकों को जो चीजें हुई हैं वो देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने ये जो है वो चीज रोक के रखी है, मतलब कर्मचारियों ने ये निर्देश जमा कर दिया है कि आपको रिपोर्ट में कि जल्दी आपको आशा बहनों को जो भी आपको मानदेय नहीं मिला वो जल्दी हम कोशिश करें कि मिल जाए। सरकार की तरफ से ये चीज हुई है। शासक में रही गई 21 मई को ये रिपोर्ट जारी हुआ है कि जिला आदेश में भुगतान में जो हुई है उसमें घुसखोरी का आरोप लगा गया। जो भी मतलब सांसद है, जो भी उन पे कार्य चल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, उन पे आरोप लगा है ये चीज़ घुसखोरी का। ठीक है, जिले में 2680 आशा कार्यकर्ताओं को जो उनके मानदेय नहीं मिलने के कारण वो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। बाकी 898 आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिला है। ठीक है, मंडल के हिसाब से आपको बात कर लेंगे, खराब चल रहा है ये जो चीजें निकल के आ रही है। 84 मतलब कि 84वें साजनपुर और उसके साथ ही आपको 56 बांद्रा में आपको 45 के स्थान पे पाया गया है, ताकि आपको शासन के जिले में आपको जिले के मुख्य चिकित्सालय में इसमें आपको निर्देश दिया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय के भुगतान देरी ना हो। ठीक है, तुरंत उनका भुगतान किया जाए, मतलब वो चीज़ रखी गई है कि जो आशा बहनों का कार्यकर्ता का जो मतलब कि उनको भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो वो जल्दी उनका पूरा करा जाए। बाकी कल की रिपोर्ट में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सिटी में क्या क्या मतलब कितना वेतन रुका हुआ है, कितना मानदेय रुका हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको कल वाली वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आपको पूरी रिपोर्ट मिलती रहे आशा बहनों से रिलेटेड। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।